गुड मॉर्निंग chapter हाउ आर यू Kari. This ऑफ a बुक अबाउट अ बेबी एलिफेंट कारी इसमें बेबी एलिफेंट का नाम है अः अभी दो महीने का सॉरी पांच महीने का होता है जब लेखकों से देखभाल के लिए दिया जाता है और लेखक उस समय नौ साल का है तो दोनों साथ साथ Uh, पलते हैं uh, बड़े होते हैं और लेखक किस प्रकार उसकी देखभाल करता है और कारी क्या क्या कारनामे दिखाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। so, let's start the chapter. कारी एलिफेंट वॉज फाइव मंथ ओल्ड वेन ही वॉज गिवन टू मी टू 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 टेक केयर ऑफ कारी उस समय अभी पांच महीने का था जब उसे मेरे पास देखभाल के लिए दिया गया आई वॉज नाइन ईयर्स ओल्ड लेखक क्या कहता है कि मैं उस समय कितने साल का था नौ साल का था एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप्टो हियर द मीनिंग ऑफ टिप्टो इज पंजे के बल खड़े होना तो लेखक कहता है कि मैं नौ साल का था और पंजों के बल खड़े होकर भी मैं पंजों के बल खड़े होकर ही मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था मुश्किल से ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली टूर्स वो ऐसा लगता था कि मानो अभी पांच महीने का था लेकिन ऐसा लगता था मानो वो दो साल का हो ही सॉरी वी ग्रू टूगेदर दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज हम दोनों साथ साथ ही पले बड़े तो शायद इसी वजह से मुझे ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो कित, मुझसे कितना बड़ा है

है ना और थैश्ट, थैश्ट होता है मेड ऑफ ग्रास एंड लीव्स घास के तिनकों से बना हुआ तो अः इसमें है कि, pavilion, वो एक पवेलियन में एक हट में एक शेड में रहता था जो कि घास के तिनकों से जिसकी छत बनी हुई थी रूफ रूफ मीन्स छत था घास के तिनकों से उसकी छत बनी हुई थी और वो छत पेड़ के मोटे मोटे तनों से तनों को काटकर उसके जो स्तंभ थे वो बनाए गए थे उन स्तंभों के ऊपर उस मजबूत स्तंभों के ऊपर उस छत को टिकाया गया था so that it could not fall, ताकि वो छत गिरे नहीं एंड वैनकारी इन वेनकारी बम्प्ट अगेंस्ट द पोल्स जब वो इन स्तंभों को इन पोलों से जब कभी अगर कारी टकराए तो ये जो पवेलियन है ये ना तो हिले और ना ही उसके ऊपर गिरे वन ऑफ द फर्स्ट थिंग वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड द सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय एक बड़ा ही uh, अच्छा कारनामा कारी ने करके दिखाया था कि उसने एक लड़के की जान बचाई थी कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवर द लेस नीडेड फोर्टी पाउंड ऑफ ट्रिक्स A day to chew and play with अच्छा कारी वैसे ज्यादा तो नहीं खाता था लेखक कहता है कि उसका डाइट उसकी डाइट जो थी वो ज्यादा नहीं थी ने लेस दीन्स हाउ एवर मतलब फिर भी फिर भी उसे चालीस पॉइंट ट्विग्स चाहिए होती थी ट्विग्स मतलब स्मॉल ब्रांचेस ऑन अ ट्री पेड़ पर लगी हुई छोटी छोटी टहनिया जो होती हैं दिस आर कॉल्ड टिक्स तो उसे क्या चाहिए होता था आ, मतलब 40 उसको tricks चाहिए होती थी आ, दिन भर में चबाने के लिए और साथ में खेलने के लिए एंड प्ले विवरी आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ हर रोज every day, हर रोज़ मैं क्या करता था आई यूज टू टेक मैं हर रोज में उसे नहाने के लिए नदी पे ले जाया करता था हर सुबह ही डाउन ऑन द सैंक वाई लाई वहां पे वो क्या करता था जो बलुआ रेत होती है वहां पे जाके वो नदी के किनारे लेट जाता था और मैं उसकी जो स्किन थी उसको मैं साफ रेत से क्लीन सैंड साफ रेत से मैं उसकी स्किन को खूब रगड़ रगड़ के धोता था और कितने समय तक फोर एंड आर एक घंटे के लिए मैं उसकी स्किन को रगड़ रगड़ के साफ रेत से रगड़ रगड़ के धोता था आफ्टर दैट ही वुड लाई After that he would lie in the water for a long time. और उसके बाद जब मैं उसको रगड़ 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 के धोता था उसकी स्किन को रगड़ता था उसके बाद वो क्या करता था बड़ी देर तक वो पानी में उस नदी के पानी में बैठा रहता था लेटा रहता था ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी एंड ही with प्लेजर एज I रफ्ड वाटर डाउन his बैक अच्छा जब वो बाहर निकल के आता था नदी से तो उसकी स्किन क्या होती थी शाइनिंग लाइक इबोनी हियर इबोनी ट्री ऑफ हार्ड ब्लैक वुड एक ऐसा पेड़ जिसकी जो लकड़ी होती है वो काले रंग की होती है यहाँ पे ये इबोनी पेड़ है और ये इसकी लकड़ी है ये वाला पोर्शन देखिए आप ब्लैक से कलर का बड़ी चमकीली और ब्लैक कलर की ये वुड इसकी होती है तो जब कारी बाहर निकल के आता था नहा के बाहर आता था तो उसकी स्किन भी ऐसे ही इबोनी के तरह चमकदार होती थी ही वुड स्क्वेल स्क्वेल मीन्स चिंघारना हाथी जो आवाज करते हैं uh, उसे स्क्वेल कहते हैं चिंघारना कहते हैं एंड प्लेजर मीन्स खुश होना या खुशी With pleasure as I rubbed water down his back, uh, जैसे कि मैं बड़ी खुशी से उसकी पीठ को uh, दोबारा पानी से रगड़ रगड़ के धोता था उसे वो जोर जोर से चिंगारने लगता था खुशी के मारे उसे बहुत खुशी होती थी उसे बड़ा मजा आता था जब भी मैं उसकी पीठ को पानी से और सैन से जब भी मैं उसे नहलाता था उसे बड़ा मजा आता था यहां से हम हट जाते हैं यहां पर हाँ देन आई वुड टेक हिम बाय द एयर बिकॉज दैट इज दू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल्ड एवेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस टेक्स फॉर हिस्स जिनर फिर मैं क्या करता था आई वु टेक हिम बाय द इयर फिर मैं उसे क्या करता था कान से पकड़कर ले जाता था हाथियों को यूजली कान से पकड़कर लेके जाया जाता है बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड द एन एलिफेंट क्योंकि एक हाथी को लीड करने का ये सबसे अच्छा सबसे आसान तरीका होता है एंड लीव हिम ऑन द एज एज होता है कोना बॉर्डर uh, या कोना जंगल्ड uh, और उसे जंगल के कोने में मैं छोड़ देता था आई वेंट इन टू दंगलिंग ऑफ लशिय जूसी मीन्स रसीले या रस वाले लशियस ट्रिग्स ट्रिग्स मींस छोटी छोटी टहनिया और मैं फिर जंगल जाकर उसके लिए क्या करता था उसके डिनर के लिए बड़ी रसीली रसदार टहनिया छोटी छोटी टहनिया लेकर आता था वन हैव अ वेरी शार्प का मतलब एक्स मतलब कुल्हाड़ी। तो लिख कहता है कि इन छोटी छोटी टहनियों को तोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती थी हैचेट जरूरत होती थी और उस है जो कुल्हाड़ी होती थी उसको भी बार बार शार्प करने की बहुत तेज उसको शार्प करने की जरूरत होती थी इट टेक्स हाफ एन टू द हैचेट बिकॉज़ इफ अ इज़ म्यूलेटेड सॉरी म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट तो uh, आधा घंटा लगता था उस कुल्हाड़ी को साफ करने में क्यों क्योंकि उससे जो लकड़ियां उससे जो ट्विक्स काटी जाती थी अगर कहीं वो टूट फूट जाए यहां म्यूटिलेटेड का मतलब है टूटा फूटा अगर वो टेढ़ी मेढ़ी कटी हो या जैसे हम ना कई बार चाकू से कोई चीज काटते हैं कोई लकड़ी या छोटी सी टहनी काटते हैं तो उसमें खुरदरी सी हो जाती है अगर कहीं वैसे कहीं कोई टहनी हो जाए तो एलिफेंट उसे टच भी नहीं करते मतलब थोड़ा सा नखरेबाज होते हैं उसे खाएंगे उसे नहीं खाएंगे खाना तो दूर की बात टच भी नहीं करेंगे तो वो कुल्हाड़ी इतनी पहनी करनी पड़ती थी कि एक ही बार में बिल्कुल साफ सफाई से वो टहनी कट जाए और हाथी उसे आराम से खा सके। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैप्लिंग फॉर कारी हियर द मीनिंग ऑफ सैप्लिंग इज यंग प्लांट्स छोटे छोटे पौधे अ uh, कार्य के लिए सैपलिंग्स लाना uh, उसके लिए छोटे-छोटे पौधे लाना इजी जॉब नहीं थी आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स मीनिंग ऑफ टेंडर इज सॉफ्ट नरम तो uh, मुझे तरह-तरह के पेड़ों पे कई प्रकार के पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था ताकि उसके लिए मैं नरम-नरम टहनियां तोड़ के ला सकूं as he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of, cathedral of leaves and branches, i was gathering some one spring day in march when i suddenly heard, heard kari calling to me in the distance. as he was very fond of, you नई नई टहनिया बड़ी पसंद थी वो बड़ा शौकीन था छोटी छोटी टहनियों का और वो टहनिया भी किसकी ऑफ द बनियन ट्री उसे बरगद के पेड़ की टहनिया बहुत पसंद थी और वो भी बरगद कैसा था कैसा दिख दिखना होता चाहिए था कैथेड्रल की तरह ऐसा बरगद जो कैथेड्रल कैथेड्रल होता है आ, इन द शेप ऑफ अ चर्च जैसे चर्च की शेप होती है उसी शेप में फैली हुई बर्गद के पेड़ की टहनियां कारी को बहुत पसंद थी उसके पत्ते और ब्रांचेस उसे बहुत पसंद थे आई वाज गैदरिंग सम और आ, वैसे आ, एक बार मैं वैसे ही बरगद के पेड़ की टहनियां और पत्ते इकट्ठे कर रहा था वन स्प्रिंग डे बसंत ऋतु का एक दिन था इन मार्च व्हेन आई सडनली जब मैंने अचानक से हार्ट हर्ड करी कार्ड कारी कॉलिंग टू मी कारी को मुझे आवाज देते हुए पुकारते हुए सुना इन द डिस्टेंस कुछ दूरी से कुछ दूरी से कारी मुझे आवाज दे रहा था जब मैं उसके लिए टहनियां लाने के लिए जंगल में गया हुआ था as he was still very young uh,

परेशान कर रहा है मैं इसलिए मैं अपने जिस पेड़ पे मैं चढ़ा हुआ था मैं वहां से उतर के आ गया एंड रेन रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट और मैं बहुत तेजी से फॉरेस्ट के जंगल के कोने में उस कोने तक दौड़ के गया वेयर आई मैंने उसे छोड़ा था बट ही वॉज देयर लेकिन वो वहां पे नहीं था आई लुक डाउन आई सॉरी आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाउंड फाइंड हिम मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया आई वेंट नियर द एज ऑफ द वॉटर meaning of edges border हमने पहले भी पढ़ा किनारा तो मैं कहां गया पानी के किनारे पे मैं उसके नजदीक मैं गया वहां पे नदी थी एक वहां पे मैं गया एंड आई स अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस और मैंने वहां देखा कि वहां पे कुछ काला काला नदी की सतह पर आ, कुछ संघर्ष कर रहा है कुछ स्ट्रगलिंग कर रहा है कुछ हो रही है वहां पे। देन इट रोज काली सी चीज जो थी थोड़ा और ऊपर उठी पानी में तो मुझे पता चला कि ये क्या क्या है मेरे हाथी की ट्रंक है ट्रंक में सूंड है आई थॉट ही वॉज जर्निंग मुझे ऐसा लगा कि वो डूब रहा है मैंने सोचा कि शायद कि वो डूब रहा है मैं मैं उस समय बिल्कुल ही असहाय था, helpless था, क्योंकि पानी में कूद फोर हंड्रेड पाउंड मीन फोर हंड्रेड पाउंड होते हैं वन एटीन किलोग्राम एक सौ अठारह किलोग्राम के बराबर होते हैं चार हंड्रेड चार सौ Uh, मैं पानी में नहीं कूद सकता था और ना ही मैं 400 pond, मतलब कि 118 किलोग्राम के हाथी को uh, बचा सकता था ऑफ हिम सिंस सिंस ही वाज मच हायर देन आई क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा था साइज में वो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा था लंबा भी था और ऊंचा भी था तो मेरा मतलब ही नहीं था कि मैं पानी में कूद के उस उसको मैं नहीं बचा सकता था मैं तो हाइट में और वेट में और साइज में उससे बहुत छोटा था सो so, आज हम इतना सा ही चैप्टर पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट स्टोरी हम कल पूरी करेंगे टिल देन गुड बाय